हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। टुडे वी टॉक अबाउट द लिवर डिजीज। हमने पिछले कुछ वीडियो में स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में बात की, उसी सीरीज में हम आज लिवर डिजीज के बारे में बात करते हैं। यदि आपको ये अल्कोहलिज्म और सजेशन वाली जो स्मोकिंग की हमने वीडियो बनाई, जो सीरीज हमने रखा है उसको, यदि आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बैल बजाएं और अपने नियर जो भी आपके लोग हैं उनके साथ शेयर करें, उनसे बात करें। यदि किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको आज हम बात कर रहे हैं कि लिवर डिसीज क्या होता है, मतलब जो हमारा लिवर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। लिवर एक मतलब एक मस्कुलर ग्लैंड है, एक स्पंजी मस्कुलर ऑर्गेन्स है और लिवर के अंदर एक बहुत ही अच्छी रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि लिवर खराब होता है तो लिवर रीजनरेट कर देता है, अपने आप को ठीक भी कर देता है। और लिवर का यदि 30-40% पार्ट भी ठीक है तो वो अपने को रीजनरेट कर सकता है, दोबारा से अपनी नेचुरल फॉर्म में वो आ जाएगा और अपनी फंक्शनिंग कर सकता है। लेकिन नाउडेज ये देखा जाता है कि लिवर डिसीज के पीछे जो सबसे कॉमन रीजन है वो अल्कोहल है, और अल्कोहल के जो बैड इफेक्ट है लिवर पे उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि आपने एक नाइफ छुरा या कोई भी नुकीली चीज आप अपने मस्कुलर टिश्यू मतलब स्किन पे मारते हैं तो आपने देखा होगा कि एक दो बार चोट लगने से वो ठीक हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, आपको नई जो स्किन है उसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि आप लगातार एक ही स्थान पर एक चोट मारते रहेंगे तो वो कितने बार रीजनरेट होगा, वैसा ही लिवर के साथ होता है। हर ड्रिंक में हर बार हम लिवर को कुछ ना कुछ डैमेज करते हैं और लगातार जब हम वो डैमेज करते रहते हैं तो लिवर की रीजनरेटिव जो पावर है वो एक लिमिटेड पावर है, उसके बाद आपका लिवर खराब होना शुरू हो जाता है। अब वो एक सेट ऑफ सिम्टम्स, कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स, कुछ ऐसे संकेत देता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जिससे हमें ये समझ आता है कि आपका लिवर खराब हो रहा है या लिवर की जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो रही है। लिवर डिसीज में कॉमनली एक सबसे ज्यादा जो है वो एल्कोहलिक लिवर डिसीज है, जो लगभग 80% प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन होता है। उसके बाद आपका फैटी लिवर है, फिर आपका हेपेटाइटिस है और सीरियोसिस है एंड देन द लिवर कैंसर। मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्कोहल वाले केसेस में ही लिवर कैंसर होता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो फैट सेल्स हैं वो ब्लड उसमें लिवर में बढ़ जाती हैं, चर्बी बढ़ जाती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर के कारण ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर होता है। ये दोनों एक दूसरे को रिवर्सिबली इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिवर का फंक्शन क्या होता है, लिवर के कार्य क्या होते हैं, लिवर क्या काम करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन है। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है लिवर का वो डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स सफाई करना, जो फैट सेल्स हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर निकालना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। स्टोरेज मीन्स विटामिन एंड अदर इम्पोर्टेंट जो कंटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके रखना। मेटाबॉलिक मींस आपकी भूख प्यास। बीएमआर रेट मींस बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। डाइजेशन, ये सब इम्पोर्टेंट काम है। एंड सेम टाइम जो लिवर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसलिए भी हो जाता है कि हमारी जितनी भी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो सब लिवर के द्वारा ही निर्धारित होती है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं यदि किसी इंसान का लिवर कि फंक्शनिंग में बदलाव आ रहा है या लिवर बीमार हो रहा है या लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो हम उन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे मुख्य है कि लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, आपका जो फैट है वो बढ़ जाता है और उससे स्वेलिंग आती है। फिर स्वेलिंग यदि कंटिन्यूस रहती है और आप यदि उसको ना रिपोर्ट करें, उसका इलाज ना करें, तो आपको सीरियोसिस हो सकता है। सीरियोसिस के बाद एसाइटिक इन्फेक्शन आ सकते हैं, मीन्स कैंसर हो सकता है आपको। और जो आपके सेल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मीन्स उसके साइज में और शेप में बदलाव आ सकता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, दैट्स कैंसर आने से कह सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपको पीलिया हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाएगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद लोअर एब्डोमिन, मीन्स आपके पेट के निचले हिस्से में पेन आ सकता है।
दर्द फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, ऑन ऑफ भी हो सकता है, कई बार देखा गया है कि पेन भी नहीं आता, साइलेंट है। आपका यूरिन का कलर चेंज होगा, मीन्स डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, आपके पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा, आपके हाथ पैरों का कलर, नाखून का कलर, आईज का कलर पेल येलो आपको दिखाई देगा। सो ये एक कंफर्मेटरी सिम्टम्स होता है कि आपके लिवर की जो फंक्शनिंग है वो चेंज होगी। इरिटेशन होगी स्किन में, आपको स्किन का कलर चेंज होगा, आपको इचिंग होगी, मतलब आपको खुजा होगी, त्वचा आपकी नीली हो सकती है और पीलापन भी देखा जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन होगा, मीन्स मेटाबॉलिक चेंज आएंगे, आपको कब्ज रहेगा, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको एसिड फॉर्म होगा और वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे आपको जलन होगी एंड वॉमिटिंग भी आ सकती है। ब्लैक स्टूल होगा, स्टूल स्टिकी रहेगा और स्टूल का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। और कई बार देखा जाता है कि जब स्टूल पास करते हैं तो हमें क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दर्द होता है, डिहाइड्रेशन, पसीना आता है, कई बार चक्कर भी आ जाता है। माउथ अल्सर आपको हो सकता है, मीन्स आपके मुंह में छाले होंगे जल्दी जल्दी। वोमिटिंग के साथ आपको स्मेल, मतलब आप जब उल्टी करेंगे तो उसके बाद आपके माउथ से स्मेल आएगी, गंदी स्मेल। लेक ऑफ हेपेटाइट, मतलब आपको जो भूख है वो कम लगेगी, हेपेटाइट कम हो जाएगा आपका, वेट लॉस हो सकता है आपका, एंड स्वेलिंग एडिमा होल बॉडी पे देखा जाता है, मीन्स आपके पैरों में सूजन आ जाएगा, आपके हाथों में सूजन आ जाएगा। और जब आप उंगली से पैर को दबाएंगे या स्किन को प्रेस करेंगे तो एक गड्ढा दिखाई देगा, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब वो बैठ जाएगा वहां पे, गड्ढे की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फंक्शनल वीकनेस देखी जाती है, जब आप काम करते हैं तो आपको थकान होती है, आपके पास एनर्जी नहीं होती, वो मोटिवेशन नहीं होता और वो आप फोकस नहीं कर पाते। कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार देखी जाती है कि आप कन्फ्यूज रहते हो, आप क्लैरिटी नहीं होती है, ब्रेन फंक्शनिंग आपकी चेंज हो जाती है। यदि कंटिन्यूस आप कंफ्यूजन में रहे और फंक्शनल वीकनेस हो और जॉइंटिस यानी बिलोरेबल का लेवल ना घटे तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, मीन्स आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है। लिवर डिसीज बहुत कॉमन है, जिसमें सबसे मेजर रीजन है अल्कोहलिक लिवर डिसीज, दूसरे भी कारण है। सो आप अपने लिवर के सिम्टम्स को समझें, यदि अल्कोहल आप लेते हैं तो उसको स्टॉप करें। और लिवर इज अ वेरी मच रीजनरेटिव ऑर्गन, अब यदि सिम्टम्स हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है, आपको ये पता है या आपने डायग्नोस केस है आपका, तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं और जो रिस्ट्रिक्शंस करनी है वो करें, इमीडिएटली अल्कोहल बंद करें और अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट, मतलब आप खुद से क्या कर सकते हैं वो समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, जिसमें हम ये बताएंगे कि आप अपने लेवल पे लिवर डिसीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डाइट करेगा और आप इसके साथ कैसे प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।